आप बता रहे थे कि यहाँ पे वो पड़ा हुआ था जो देवी देवी का स्थान था और वो बाहर पड़ा हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये जो हमारा मंदिर है पूरी बिरादरी का मंदिर है, और हमने जो भी कोई शुभ कार्य करना हो जहाँ से स्टार्ट होता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मुंडन शादियां बच्चों की कोई भी खुशी का काम हो तो जहाँ से स्टार्ट होता, जहाँ पे हमारा मोरा जो पड़ा था, ये मेरी एज 70 ईयर है, लेकिन हमारी एज से भी पहले की बात है, हमारे जो बुजुर्ग है उनसे भी हम ये सुनते थे ये कम से कम 200-300-400 साल पुराना मोरा है जो, और उस मोरे को बाहर निकाल के किसी बैड एलिमेंट ने तोड़ दिया, उसके 4 पाई टुकड़े कर दिए हैं, जो कि बहुत अर्जेंटमेंट है हमारी पूरी बिरादरी में बहुत अर्जेंटमेंट है, और ये सहन करने वाली बात नहीं है। हम बड़े इमोशनल हो गया कि ये बहुत गलत काम हुआ है, पुलिस के पास भी हम गए हैं, उनको रिक्वेस्ट की है इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए, ये कौन बंदे हैं। एज 70 ईयर है, लेकिन हमारी एज से भी पहले की बात है, हमारे जो बुजुर्ग प्रशासन से मांग करते हैं। आपने देखा कि इसके पिछली साइड में किस प्रकार से नशे का सामान जो है, जो सिरिंजे है या और कई प्रकार की जो नशे में यूज की जाती है, बियर की बोतलें या इस प्रकार की नशे की चीजें किस प्रकार से पड़ी हैं? कौन लोग हैं जो इन देवस्थानों को जो है अपवित्र करने का काम कर रहे हैं? क्यों सरकार जागृत नहीं हो रही? बार बार सरकार को हिलाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। हमारे दिलों के अंदर एक रोष है, किस प्रकार से हम अपने देवस्थानों को, अपने मंदिरों को किस प्रकार से बचाएंगे? आज पूरे देश के अंदर परिस्थितियां क्या बनती जा रही हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर लगातार मंदिरों के ऊपर हमले होना यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी चाहे कश्मीर से लेकर जम्मू तक, चाहे वो सिरदड़ा का मंदिर हो या और कई मंदिर जो आपके चैनल के माध्यम से हम बार बार जो है सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, और आज एक वो भी भगवान हनुमान जी के जन्मदिन के दिन हिंदू समाज को तोहफा देने का काम जो है वो किया गया है। तो ये हमारी आस्था का सवाल है, हमारी कुलदेवी जो बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, 200-300 साल पुराना है, और ये मोरा जो है ये भी इतना ही पुराना है। हमारे सारे बरादरी के लोग जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, सुबह शाम रोज यहाँ पे पूजा होती है, और इसका जल्दी से जल्दी जो कल्प्रिट है उनको पकड़ना होगा पुलिस को। अगर वो कोई एक्शन नहीं करेंगे तो ये समझो कि ये छोटी सी बरादरी, ये छोटी बरादरी नहीं है, जहाँ पे तो 20-25 घर है खजूरिया के, लेकिन पूरे जम्मू में लाखों की तादाद में है, तो जो इतना प्रोटेस्ट बढ़ जाएगा कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा।
ये पुलिस को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी पूरी छानबीन तहकीकात की जाए, और इसके साथ साथ हमारी जो चार दीवारी मंदिर की हुई है, इसके बाहर हमने सुबह देखा है जहां पे जो ड्रग्स की सिरिंजें पड़ी हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी हैं, जो ड्रगिस्ट है ये शराब की बोतलें पड़ी हैं, सिरिंजें पड़ी हैं, ये जो बैड एलिमेंट्स है, ये पुलिस को हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लेके इनको बिहाइंड द बार करें। थैंक यू। मैं विनोद खजूरिया, आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, हमारा शिवरात्रि जी का मंदिर है इंडिया बरादरी का। कल ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी ने मोरा तोड़ दिया है, तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पुलिस स्टेशन भी गए थे FIR लिखवाने के लिए, और अब भी जहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं, तो यहीं पुलिस से हमें यहीं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी इसका वो है उसको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा करें।